नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंडित शंकरलाल आचार्य यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का विषय है आंखों से प्रचंड वशीकरण कैसे करें। दोस्तों अगर आप भी किसी को अपने वश में करना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसे खास टोटके और उपाय, तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सिर्फ और सिर्फ आँखों के नज़रों से एक प्रचंड वशीकरण। दोस्तों आप इस वशीकरण का प्रयोग करके किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकते हैं, अपने कदमों पर चला सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं किसी को वश में करना और अपनी मुट्ठी में लेना, तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपके लिए है। आप भी उन सभी दुश्मनों को अपने हाथ में, अपने वश में, अपने वशीभूत कर पाएंगे जिसको आप करना चाहते हैं। दोस्तों इसका प्रयोग आप अपने प्रेम के लिए भी कर सकते हैं, अपने दुश्मन के लिए भी कर सकते हैं, पति पत्नी में सुधार लाने के लिए भी कर सकते हैं। कोई भी सिचुएशन हो तो दोस्तों इससे हम किसी का भी प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं। दोस्तों आपको क्या करना होगा, यदि आप किसी पुरुष को अपने वश में करना चाहते हैं या फिर किसी को भी अपने वश में करना चाहते हैं, इस प्रयोग को शुक्रवार के दिन सुबह शुरू करना है। उसके बाद 7 पान के पत्ते पर इस मंत्र को हर पान के पत्ते पर 551 बार पढ़ना होगा। उसके बाद जब अगला शुक्रवार आए तो सिंदूर को पानी में घोलकर एक पान के पत्ते पर उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। उस पान के पत्ते को अपने सिर के ऊपर की घड़ी की दिशा में 21 बार घुमाकर फेंक दें और इसी प्रकार से लगातार 7 पत्तों को 7 दिनों तक फेंकें। उसके बाद उस व्यक्ति के सामने जाएं जिसको आप अपने वश में करना चाहते हो, उससे अपनी नज़र मिलाएं तो वह वशीभूत हो जाएगा। दोस्तों मंत्र जो आपको पढ़ना है वो इस प्रकार है, ओम नमो मम आकर्षण में कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप करते हो और पान के पत्तों के साथ आप उस इंसान को अपने वशीभूत कर पाएंगे जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। दोस्तों आंखों से वशीकरण मंत्र, यदि आप किसी पुरुष या किसी स्त्री को या फिर अपने किसी प्यार को या फिर पति पत्नी में हुए लड़ाई झगड़े को कम करने के लिए किसी को भी अपने वश में करना चाहते हैं, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। शनिवार के दिन आपको 1000 बार इस साबर मंत्र का प्रयोग करना होगा। उसके बाद इस मंत्र को भोजपत्र पर लिखें और जिसको आकर्षण करना चाहते हो उसका नाम भोजपत्र पर लिखें। उसके बाद इस भोजपत्र को किसी भी शहद के अंदर डुबोकर रख दें। ऐसा करने से प्रचंड वशीकरण होता है। मंत्र को शहद में डालने से 15 दिन के बाद उस पुरुष या स्त्री से नज़र मिलाएं तो आपका काम हो चुका होगा। दोस्तों आपको इसके लिए कौन से मंत्र का जाप करना है वो बताते हैं, ओम नमो देव प्रचोदया अमुक आकर्षण कुरु कुरु स्वाहा। ऐसा करने के बाद आप उस इंसान को अपने कदमों में पाएंगे जिस इंसान को आप अपने वशीकरण करना चाहते थे, अपने वशीभूत करना चाहते थे। दोस्तों अगर आप भी इसी सभी परेशानियों से जूझ रहे थे, आपके दुश्मन आप पर हावी हो रहे थे, आपके परिवार में पति पत्नी में नहीं बन रही थी या फिर आप अपने प्यार के बीच में कुछ ऐसा वशीकरण करना चाहते थे, तो दोस्तों आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो किसी को भी अपने वश में करना चाहते थे। दोस्तों अगर आपको आज की हमारी इस वीडियो में बताए गए उपाय टोटकों से अगर आप अपने दुश्मन पर विजय प्राप्त कर पाए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा। दोस्तों आज हमारी ये वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाली है। दोस्तों हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।